हाय लवलीज, मेरा नाम है आशा महक और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चॉकलेट्स हम गर्ल्स को बहुत ही पसंद है और मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स, वो भी चॉकलेट का, और वो है फ्लिक बॉक्स। और साथ में शेयर कर रही हूँ मी नाउ के ट्रू लिप्स लिप लाइनर्स वर्सेस सेवन हेवंस के ग्लिमर स्टिक्स का कंपैरिजन वीडियो। लेकिन उससे पहले हम अनबॉक्स करेंगे फ्लिक बॉक्स को। ये कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है और यहाँ से ये ओपन होता है। तो ये बॉक्स के अंदर मैं मेरे मेकअप के ब्रशेस स्टोर करने वाली हूँ। ये मैंने बॉक्स देख के ही सोच लिया था, तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारी चॉकलेट्स है। तो सबसे पहले मेरे पास है M&M's और पीनट्स इसमें फिल होते हैं। अगर आपने इसे टेस्ट किया तो आई एम श्योर आप जानते होंगे। और ये है 55 ग्राम्स का पैकेट। उसके बाद M&M का ही एक और प्रोडक्ट है, ये है M&M's बाइट साइज कुकीज और उस पर कलरफुल M&M's लगी होगी, यम्मी। और एक पाउच में 230 कैलोरीज है और टोटल ये 45 ग्राम्स का पैक है। तो M&M फैंस के लिए यहाँ पे दो कुड़ीज है। अब हर्शीज के फैंस कहाँ हो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे है क्रीमी मिल्क चॉकलेट 40 ग्राम से यहाँ पे लिखा है। उसके बाद गो फ्रेश की ओर से कोको कोटेड वेफर विद मिल्क क्रीम 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है, यानी कि चॉकलेट बार है। उसके बाद स्विस चॉकलेट फैंस कितने हैं, ये है टॉबलरॉन स्विस मिल्क चॉकलेट विद हनी एंड आलमंड नगेट। इसके बाद है विप का एक और चॉकलेट कोको कोटेड वेफर विद कोको क्रीम 25 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है ये। इसके बाद बहुत ही बड़ा ये डार्क चॉकलेट का पैक है, लिंट शायद इसे प्रोनाउंस करते हैं, कैरमल विद अ टच ऑफ सी सॉल्ट और 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। तो देखिए फ्लिक बॉक्स में से निकले हैं इतने सारे चॉकलेट्स। इसमें मिनी पैक, मीडियम पैक और जाइंट पैक आता है। सारी इंफॉर्मेशन है कहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक कहाँ है, क्या चार्जेस है, कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, कैसे खुद के लिए खरीद सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के नीचे है। प्लीज हमेशा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक किया करिए। तो फ्लिक बॉक्स के अनबॉक्सिंग के बाद मी नाउ के ट्रू लिप्स लिप लाइनर्स वर्सेस सेवन हेवन के ग्लिमर स्टिक्स के जो लिप लाइनर्स है, दोनों के बीच हम कंपैरिजन करने वाले हैं। एक ऐसे बहुत ही क्यूट से बेबी पिंक और व्हाइट कलर का ऐसा क्यूट कार्डबोर्ड का बॉक्स आता है जिसमें ये 12 पेंसिल्स आती है। तो मुझे ये ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत आसानी रहती है, जबकि सेवन हेवन्स के ग्लिमर स्टिक्स है वो आपको लोकल मार्केट में ऐसे ही कुछ कोई पॉट में या ग्लास में रखे होंगे, आपको उसमें से एक एक पिक करके लेने पड़ेंगे। सेवन हेवन के ग्लिमर स्टिक्स से मैंने 30 रुपीज पर पेंसिल मेरे नजदीकी लोकल मार्केट से खरीदा था। मैंने एक आध दो वेबसाइट पे भी देखा है, उसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दूंगी। जबकि ट्रू लिप्स है मी नाउ की ओर से ये लिप लाइनर्स, उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो किया है, रिव्यू स्वाचेस एवरीथिंग, और कुछ वेबसाइट्स पे ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था। तो ये आपको कहाँ से मिल सकता है, मैं एक वेबसाइट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे दे रही हूँ। और मैंने ये लिया था 250 रुपीज में। बात करते हैं सबसे पहले ट्रू लिप्स की। तो इसमें 12 शेड्स है यहाँ पे, किसी शेड के नाम नहीं है, सिर्फ नंबर है। जबकि ग्लिमर स्टिक्स में आप देखोगे तो नंबर भी है और नाम भी है। अवेलेबिलिटी की मैंने बात करी कि ट्रू लिप्स के जो ये लिप लाइनर्स है वो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं, जबकि सेवन हेवन के ग्लिमर स्टिक्स आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों में मिलेंगे। दोनों पेंसिल्स को आपको शार्प करना पड़ेगा, जो बहुत ही इजीली शार्प होता है, दोनों के साथ अलग से शार्पनर नहीं आता है। कंपैरिजन देखेंगे दोनों के शेड्स कैसा, पिगमेंटेशन कैसा है। मेरे पास यहाँ पे है, इसमें है 56 नंबर का ये लिप लाइनर और सेवन हेवन में है L51 ऑरेंज फ्रेश। पहले हम देखेंगे एक स्वाइप में ट्रू लिप्स का स्वॉच और अब देख रहे हैं ग्लिमर स्टिक का स्वॉच। पिगमेंटेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों काफी क्रीमी है।
एप्लीकेशन में बहुत ही इजी है। अलग अलग शेड्स के ग्रेडियंट यानी कि ओम्ब्रे इफेक्ट भी ला सकते हो, या फिर सिर्फ आप आउटर लाइन बना के फिर लिपस्टिक भी फिल कर सकते हो। ट्रू लिप्स के सभी स्वॉचेस मैंने उस वीडियो में बनाए हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पे दे रही हूँ। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्वॉचेस जो मेरे पास है सेवन हेवन के, जिसमें सबसे पहला है ये पर्पल जैसा दिख रहा है, पर्पल 12, ये देखिए। फिर ये है ऑरेंज फ्रेश, हमने देखा, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। फिर ये है डीप रेड जो मैंने मेरे लिप्स पे फिलहाल लगाया है। ये है पर्पल L24 शरबत पिंक, ये है सैंडी मूव। मैं ट्रू लिप्स के कुछ लाइनर्स के डेफिनेटली स्वॉचेस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी ताकि आप कंपैरिजन थोड़ा सा देख पाओगे। मेरे पास यहाँ पे है 60 नंबर का ये पेंसिल, ये भी काफी क्रीमी है। फिर ये है 58, 51, दिखाती हूँ 55। दोनों पेंसिल्स में एक मेजर डिफरेंस ये है, सेवन हेवन्स ग्लिमर स्टिक्स है वो थोड़े से शाइनी है, एंटायर मैट नहीं होते हैं, और आप देखोगे तो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाते हैं। जबकि मैंने देखा है ट्रू लिप्स के ये जो लिप लाइनर्स है वो कंप्लीटली मैट हो जाते हैं और इतना इजीली ट्रांसफर नहीं। दूसरा एक डिफरेंस है शेड्स में, इसमें काफी यू नो डार्क शेड्स है, काफी इंडियन शेड्स है, लाइक मरून है, पर्पल है वैसे। जबकि आप ट्रू लिप्स के जो लिप लाइनर्स देखोगे ना तो आपको न्यूड ज्यादा दिखेंगे, एक रेड है और एक पर्पल एक ऑरेंज है, बाकी सारे न्यूड है और काफी अभी इन है वैसे शेड्स है इसमें, और ये बहुत ही मैट फिनिश देता है जबकि आपके लिप्स ड्राई भी नहीं करता है। ये भी काफी मॉइस्चराइजिंग है लेकिन ये थोड़ा सा ग्लॉसी है, तो आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर से थोड़ा सा सेट करके इसे मैट फिनिश दे सकते हैं। ये आपको इंडिविजुअल मिल जाएंगे लोकल मार्केट में, लेकिन इसका पूरा सेट ही खरीदना पड़ेगा। शायद मैंने एक दो साइट पे देखा था कि ये 30 रुपीज ईच या 40 रुपीज ईच ऐसे मिल रहा है, लेकिन आप दो या तीन मंगाओगे तो 120 हो जाएगा, ऊपर से आप कुछ यू नो शिपिंग दोगे तो कुल मिला के 200 रुपए हो जाएंगे, सिर्फ तीन आपको पेंसिल्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से फायदे की डील यही है कि आप पूरा सेट ले लो 250 या उसके आसपास का, कुछ अलग अलग साइट्स पे अलग अलग रेट्स होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए फायदे की डील हो सकती है। बाकी तो फिर आप जैसा डिसाइड करो, खाली मेरा एक सजेशन है आपके लिए। अब बात करते हैं कि कितने टाइम तक आपके लिप्स पे टिकते हैं ये लाइनर। सेवन हेवन की ग्लिमर स्टिक्स है 2 से 3 घंटे टिकते हैं। आप खाना आपने खाया तो उसके बाद कॉर्नर्स जो होते हैं स्पेशली वहां से ये रिमूव हो जाता है और आपको टचअप तो करना ही पड़ेगा। जबकि ट्रू लिप्स मैंने देखा है आराम से 3-4 घंटे आपके लिप्स पे रहेंगे, तो लंबे समय तक ट्रू लिप्स टिकते हैं। तो ये ब्राउनी पॉइंट यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। और पिगमेंटेशन वाइज आप देखो, थोड़े से डार्क शेड्स आपको पसंद हो, इंडियन शेड्स पसंद हो, तो सेवन हेवन्स के ग्लिमर स्टिक्स है वो थोड़े से ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं। ये ग्लिमर स्टिक्स है सेवन हेवन्स के और ये ट्रू लिप्स है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअली कितने स्मज प्रूफ है। देखिए मेरे एक ही स्वाइप में ये दोनों ढेर हो गए, तो आप इस पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। कोई इवेंट है और बहुत लंबे समय तक आप चाहते हो कि आपके लिप्स पे टिका रहे तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, लेकिन डेली यूज में अगर बहुत ही कम बजट में आपको अच्छे लिप कलर्स चाहिए, 2-3 घंटे ही आपको चाहिए, तो आप ये लिप लाइनर्स की ओर आप लेने की ओर सोच सकते हो। तो आई होप कि मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। आपके कमेंट, सजेशंस, रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहिएगा और मेरे सारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और रोपोसो ऐप पे फॉलो भी करते रहिएगा एस आर शिव। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।